नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ कंडक्टर ए बी ओ सी डी मूव्स अलोंग इट्स बाइसेक्टर विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड थ्रू अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर एज शोन इन द फिगर। ऑल द फोर साइड्स आर ऑफ 1 मीटर ऑफ लेंथ ईच, ठीक है। देन द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में इंड्यूस कितना होगा? तो ए बी तो फील्ड इनको कट नहीं करेगा, सी डी भी नहीं कट करेगा, तो इफेक्टिव लेंथ ये होगी जो कट करेगी। अब ये लेंथ 1 मीटर है, तो 1 मीटर और ये 90 डिग्री है, तो ये ऑब्वियस बात है 45 होगा, तो ये साइड, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये 45 है तो ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, थोड़ी देर के लिए उसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। अगर ये लेंथ L हो, ये लेंथ L हो, तो ये लेंथ कितनी होगी? L root 2 होगी ना, ठीक है। तो अगर ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 1 into root 2, यानी root 2 मीटर हो जाएगी। तो इफेक्टिव लेंथ, तो EMF जो इंड्यूस होगा वो BLV होता है। B की वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1 वेबर, इफेक्टिव लेंथ root 2 होगी, वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा? √2 वोल्ट। √2 वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 1.414 वोल्ट होती है। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुआ? ये वाला, बी वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो। याद रखना, इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर यूज़ करना है, इफेक्टिव लेंथ जो कि कट कर रही फील्ड लाइन को, वो हमने यूज़ किया है एल की जगह, ठीक है।